राजधानी रायपुर में भाजपा ने सभी 11 लोकसभा सीटों का ऐलान कर दिया है, जिसमें अनुभवी दिग्गज और नए लोगों को भी मौका मिला है। बता दें, भाजपा ने इस बार एक संतुलित टीम उतारी है। इसके तहत ही लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस में जो फाइटिंग हो रही है उसकी चिंता उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता हर जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और इसी आधार पर 11 प्रत्याशियों को मौका मिला है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, यह छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देती है, हरेक कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इस बार इन 11 लोगों को पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। एक एक कार्यकर्ता इन प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, आज छत्तीसगढ़ की जनमानस चाहती है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है।